बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई ऐसी घटना नहीं घट रही हो, कभी हत्या, कभी अपहरण, कभी लूटमार, कभी बलात्कार, कभी रंगदारी, रोज आए दिन ऐसी घटना घट रही है। और उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जो अपराधी हैं वो गिरफ्त के बाहर रहते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के वैशाली जिले के महनार में कोचिंग के लिए निकली छात्रा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि वहां के लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और लगातार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच अब ये मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ जा रहा है। आपको बताएं कि आज खुद चिराग पासवान ने उस लड़की के परिजन से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने अन्याय की बात भी कही। आपको बताएं कि चिराग पासवान महनार पहुंचे और वहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आती है, खुलेआम दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, पहले सुनिए। और सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा उनके पिताजी को भी, उन्होंने बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं समझा, अपनी बेटी को भी उसी तरीके की सुविधा, उसी तरीके की शिक्षा, उसी तरीके का पालन पोषण देने का उन्होंने प्रयास किया। दुख अब यहाँ पर आता है कि वो लड़की जब अपने पाँव पे खड़ा होने का प्रयास करती है, समाज के सामने अपने आप को सशक्त दिखाने का प्रयास करती है, तो आज की तारीख में जब हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें एक बेटी की ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है। बार बार हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि भैया अपराधियों का जो मनोबल हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े जिस तरीके से आए दिन, बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई ऐसी घटना नहीं घट रही हो, कभी हत्या, कभी अपहरण, कभी लूटमार, कभी बलात्कार, कभी रंगदारी, रोज आए दिन ऐसी घटना घट रही है। और उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जो अपराधी हैं वो गिरफ्त के बाहर रहते हैं। आप कन्विक्शन रेट देखें बिहार में बनिस्पत बाकी राज्यों के, केरल जैसे, तमिलनाडु जैसे राज्य अगर आप चले जाइए तो वहाँ पर कन्विक्शन रेट 89-90% का है, वहीं बिहार में लगभग 7% का, मतलब 100। तो आपको बताएं कि वैशाली जिले के महनार में कोचिंग के लिए वो छात्रा 4 बजे सुबह निकली थी, जिसके बाद वो घर लौट कर नहीं आई। आपको बताएं कि एक दिन बाद उसका शव जो है वो बरामद होता है, जिसके बाद वहां के लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। इसके लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया, लेकिन सबके बीच ये मामला जो है अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने आज उस लड़की के परिजनों से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब ये जरूरी है कि सीएम नीतीश कुमार अपराधियों पर लगाम लगाए, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े लोगों की हत्या होती है, आए दिन अपराधी घटनाएं सामने आती है, ऐसे में अब ये बेहद जरूरी है कि सीएम नीतीश कुमार इस पर कोई एक्शन ले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लड़की आगे बढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी, ऐसे में उस तरह से उसकी हत्या कर देना बेहद दुख देने वाला, और सीएम नीतीश कुमार को इस मसले पर, इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।